संगेश्वर मंदिर में तीन दुखियों की सेवा और इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसका शुभ आरम्भ प्रदीप गुप्ता ने फीता काट कर किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर तथा महामंत्री राम कुमार बालियान ने कहा कि प्रभु की इच्छा अनुसार आजीवन समिति सेवा करती रहेगी। समिति का मुख्य उद्देश्य दीन दुखियों तथा गरीबों की मदद करना है। समिति समय समय पर मानव सेवा के रूप में दीन दुखियों की मदद करती है। उन्होंने कहा कि मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस मौके पर दिव्य गौड़, कमल कश्यप, चौधरी सीता, अरुण कश्यप, मनोज धीमान, सुभाष भट्ट, किशन लाल के साथ साथ अनेक समाज से भी उपस्थित रहे। सहारनपुर से इंडिया 24 टीवी न्यूज के लिए हेमंत गुप्ता के लिए कुछ ऐसा भला कर सके और कुछ ऐसा भलाई में निःशुल्क दवाई देने का ही कार्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए क्यों ना किसी गरीब बस्ती में गरीबों के लिए डॉक्टर बैठा जाए और डॉक्टर निःशुल्क सेवा समिति की ओर से निःशुल्क दवाई दे जाए। अच्छा, कब तक हमारी आज कैंप लगा हुआ है यहाँ पे? हमारी अभी लगभग 15-20 दिन पहले एक समिति का गठन हुआ है, मानव उत्थान सेवा समिति, जिसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि गरीबों की सेवा किसी भी रूप में कैसे की जावे। तो हम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि हमारे साथ जो हैं हमारी उत्थान सेवा समिति के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर शर्मा है, ये डॉक्टर पेशे से रिटायर हुए हैं, तो क्यों ना गरीबों के लिए गरीब मोहल्लों में जाके गरीबों की सेवा की जावे और उनको मुफ्त दवाई दी जावे, किसी से कोई पैसा ना लिया जावे। तो सबकी सहमति के बाद आज इस कार्य का शुभारंभ आप देख रहे हैं हो रहा है, आप लोगों को बुलाया गया है और ये काम जो है परमानेंट यहाँ नहीं होगा, ये कॉलोनी दर कॉलोनी होगा और सुबह 11 बजे से लेकर परमानेंट 1 बजे तक होगा, ये तो निश्चित है, लेकिन यही होगा ये निश्चित नहीं है। आगे कार्य क्या है और बहुत सारे का, जैसे गरीब की शादी है, लड़की की किताबें बांटनी है, सर्दी में कम्बलों का वितरण है, जैसे जैसे समिति ये आगे की और प्रोग्रेसिव है, क्योंकि फिलहाल तो जैसे जैसे बढ़ेगी लोगों को जानकारी होगी, अच्छे अच्छे लोगों से मिला जाएगा, उनको बताया जाएगा कि एक समिति बनी है और उसका ये कार्य है, उनसे सहयोग मिलेगा, फिर सर्दियों में कंबल बांटे जाएंगे, गरीबों के बच्चों को किताबें बांटी जाएंगी और पूरा सहयोग किया जाएगा, फीस तक दी जाएगी जी। जो व्यक्ति ईमानदार हैं, जो व्यक्ति वाकई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और किसी कारणवश आमदनी कम है, उनका पूरा सहयोग समिति करेगी, यही इसका उद्देश्य है।